करीब करीब 50-60 एकड़ भूमि 800-900 साल पहले अपने समाज को, उस समय के जो वहाँ के राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, उन्होंने प्रदान की थी। तो उस समय वो जो विजयनगर साम्राज्य था, ये तुंगभद्रा नदी के आसपास के किनारे में हम्पी एक बहुत बड़ा शहर है, वो राजधानी थी। उसके आसपास का करीब 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में राजा कृष्णदेवराय का शासन था। उस शासन ने अपने समाज, उस समय बहुत तरक्की वाला था, बहुत कलाकुसर, अपने सिल्क में और इसमें सारे भुमकरे में इतना मतलब प्रवीण था, और पूरे सारे विश्व को जिसने कपड़ा दिया, सारे विश्व के लोगों के मतलब जिसने लाज की रक्षा की, ऐसा समाज जो एक समय ब्राह्मणों के ऊपर ही था। अब देवांग, वैसे कोष्ठकुष्ठी के बारे में बात में बताऊंगा, देवांग शब्द ही आपसे, आपको ये बताऊं कि देवांग मतलब देव का अंग। तो देवांग समाज की, देवांग की कहां उत्पत्ति हुई है? तो जब सारे देव देवता और सारे जग नग्नावस्था में थे या वलकले पहनती थी, कपड़ा कहीं नहीं था, तो शंकर जी के आंख से एक देवांग महर्षि उत्पन्न हुए और उन्होंने फिर ये धागे का शोध लगाया, धागे से फिर आगे वस्त्र बनाया और सारे देवताओं को और मानवों को दिए। तो वही के कुल के हम लोग हैं, और इस धर्म को, इसको जिसको देवांग धर्म बोलते हैं, धर्म मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू है मुसलमान ये, वो अलग धर्म और रिलीजन है। धर्म मतलब जो धारण करता है, धर्म मतलब जीने की पद्धति, वे ऑफ लाइफ, कैसे आचरण किया जाए जग में, कैसे मानव ने अपना स्वभाव रखा जाए, कैसे मतलब आप सामाजिक तौर पे पेश होते हैं, किस तरह से अपने कुटुंब को आप रक्षा करते, किस तरह से आप भाई बहन और जितने भी रिश्ते हैं उसको कैसे निभाते, ये सारा जो है वो धर्म के नाम से जाना जाता है, वो आचरण। तो देवांग धर्म ये हजारों साल का पुराना धर्म है, जो जीने की पद्धति है। तो ये देवांग जो है, आप देवांग पुराण का नाम सुना होगा, पुराण तो कभी मतलब इधर पठन नहीं हुआ है, पुराण देवांग पुराण भी जब भी माता चौंडेश्वरी बनशंकरी जो अपने समाज की कुल देवता है उनके बारे में मैं बताऊंगा, तो देवांग पुराण है अपने समाज का। अब पुराण तो पुराण होता है ना, वेद शास्त्र पुराण ये तो हमने सुने हैं, तो ये हजारों साल का इसका इतिहास है, वेदों का, शास्त्रों का और पुराणों का। तो जिस समाज को पुराण है, जिस समाज का पुराण है, वो समाज कितना पुराना होगा और कितना हजारों साल का। तो ऐसे हमारा एक समाज है, वो हम लोग सामाजिक गतियों में अभी 20-25 साल से लिप्त हुए हैं। इसके पहले तो हमारे पेट भरने की भांति थी, पेट भरने के कारण हम लोग वो नहीं कि सामाजिक सोच को हम आगे बढ़ा सकते थे, तो हमें कुछ मालूम नहीं था हम लोग क्या है, इसका भी अभी कम भी हमने नहीं है। अब आप इंदौर में, मैं इंदौर में 78 से 82 तक था भैया लाइब्रेरी में, और इधर से मैं हजार बार गुजर चुका हूँ, साइकिल में जाता था, पर कभी मैंने ऐसे धर्मशाला भी नहीं देखी उस समय, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मेरा समाज इंदौर में होगा। खाली रामबाग में कुछ महाराष्ट्री लोग थे जिनका मेरा परिचय था उस समय। तो अभी तो बड़ी खुशी की बात है आपके 2-4 धर्मशाला है। तो ये जो पुराना समाज है, ये समाज की एक परंपरा है, ये समाज की रीति रिवाज है। आप अगर व्हाट्सएप देखे होंगे तो अभी पिछले बार एक व्हाट्सएप आया था, श्री शैल्य में ये अपना भगवान शंकर जी का मंदिर है, श्री शैल्य में ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। तो इनको, मल्लिकार्जुन को उनका ध्वज का कपड़ा प्रदान करने का मान अपने समाज को है, वो हजारों साल से। वैसे महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में आप जाओगे सातारा जिला में एक जगह है, वहां भी मतलब अपना समाज वो ध्वज के लिए कपड़ा बनाता है और उसको अर्पण करता है बड़ी रीति से और पूरे बाजे गाजे के साथ। तो उस समय भी, इस समय भी अभी महाशिवरात्रि को ऐसा कपड़ा वहां दिया गया है। तो ये ऐसा जो सम्मान जो अपने समाज को था, वो खुद बुनते थे। वो अगर वीडियो देखे तो वो वीडियो में जो बुनकर है बूढ़े, उनको देखेगा तो उनके गले में आपको क्या मिलेगा, जनेऊ। तो ब्राह्मणों ने तो जनेऊ बाद में पहना, जनेऊ तो हम लोग पहनते थे। मुझे अच्छा याद है, मेरे दादाजी जनेऊ पहनते, और रक्षाबंधन के दिन
हमारे गांव के येवला के जो ब्राह्मण थे वो जनेऊ लेने हमारे यहाँ आते थे। एक सम्मान था कि जनेऊ उनको प्रदान करना, पर हम लोग मतलब आपाधापी में सब ये भूल गए, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, खैर वो बात अलग है। तो ऐसे जो परंपरावादी समाज है उसको ये कृष्णदेव राय ने भूमि दी थी। वहाँ मतलब 50-60 एकड़ भूमि है, बहुत अच्छा मतलब वहाँ वातावरण है, आश्रम बना हुआ है स्वामी जी का। ये आश्रम 200 साल खाली था, 200 साल पहले बहुत सारे मुनि हो गए, बहुत सारे उस आश्रम के पटाधिपति और मुख्य जो होते हैं आश्रम के वो सारे ऋषि हो गए। 200 साल तक हमारा समाज सोया रहा, कर्नाटक का हो या तमिलनाडु का या महाराष्ट्र का या और कोई, हमें परंपरा ही मालूम थी। तो 1990 में एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने सारा इतिहास खोजा, गवर्नमेंट के पास गए। उस समय उस आश्रम को कोई वाली नहीं था, कोई मतलब मालिक नहीं था, तो समाज के कमेटी ने गवर्नमेंट के पास कर्नाटक गवर्नमेंट में जाके उस आश्रम को पुनर्जीवित किया और स्वामी जी का चयन हुआ है 50 लड़कों के बीच में उस आश्रम का मठाधिपति बनाने के लिए। और 12 साल की उम्र थी समय उस समय स्वामी जी की, और 12 साल से 24 साल मतलब 12 साल उनकी बेंगलोर के कैलाश आश्रम में पढ़ाई हुई है। संस्कृत में एमए किया है स्वामी जी ने और अध्यात्म में पूरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद 1990 में उनका पीठाधिपति बोल के पीठारोहण हुआ। हम्पी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, कम से कम 10-20 हजार देवांग लोग सब इकट्ठा हुए थे। तब से आज तक स्वामी जी देवांग समाज के लिए, कोष्टाकोटी समाज के लिए पूरा अपना जीवन अर्पित किए है। साधु बनना सीधी बात नहीं है, वही जानता है कि साधु बनने की क्या व्यथा होती है। हम लोग तो संसारी आदमी हैं, सब जानते हैं, पर अपना जीवन अर्पण करना समाज के लिए, धर्म के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और 12 साल पूरी तपस्या करने के बाद 24 साल में उनका पिठारोहण हो गया है। और उसके बाद पूरी मतलब अभी तक की जिंदगी उन्होंने समाज के लिए, अपने समाज का भला हो, समाज की तरक्की हो, समाज सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजकीय दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से आगे बढ़े, इसके लिए वो प्रयास रहते, पूरे भारत में घूमते रहते हो। और सबसे बड़ी बात है, कोई ब्राह्मण आदमी समाज का धर्मगुरु नहीं बनाया गया है, स्वामी जी खुद देवांग समाज के हैं। कोई ब्राह्मण आदमी नहीं बनाया हमारे को धर्मगुरु, ये कोई ब्राह्मण लाया गया है, स्वामी जी खुद अपने समाज के हैं। हम्पी के पास कंपली बोल के गांव है और उनके जो माता पिता भी है, 2-3 भाई है, और उनके यहाँ स्वामी जी की परंपरा ही है, ये सारा इतिहास है। तो इस तरह से मतलब स्वामी जी, उनको जाना था दिल्ली, कार्यक्रम था, मैंने 2-4 दिन महाराष्ट्र में कार्यक्रम लिया, फिर नागपुर में कार्यक्रम लिया, फिर स्वामी जी बोले कि इंदौर चलेंगे, राजेश के यहाँ जाना है, कल्याण जी से मिलना है, मैं चलो। और मैं बीमार था पिछले 10-12 दिन से, आईसीयू में भर्ती था, मैं स्वामी जी के साथ नहीं था नागपुर, मैं कल रात में बस से आया पुणे से, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको और हमारा प्रेम शांतिलाल जी बहुत गहरा होने जा रहा है, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं राजेश को बोला कि मैं आता हूँ। इस तरह से आज का जो कार्यक्रम है स्वामी जी का तय हुआ है, यहाँ से वो दिल्ली जाएंगे। अब कोष्टा कोष्टी, देवांग देवांगन, ये सब एक ही है। कैसे? सबसे मूल मूल देवांग। कोष्टा कोष्टी ये कोई जात नहीं है, ये हमारा व्यवसाय है। ये बुनकरी को कोष्टी बोलते हैं, कोष्टा बोलते हैं, कोष से कोष्टा हुआ है क्या, कई कोष्टी बोलते कई कोष्टा बोलते हैं, पर मूलतः हम लोग सब देवांग है। कोई बोलते यार वो कोष्टा है, वो कोष्टी है, वो देवांग है, हम लोग एक नहीं, क्या सब एक ही है। आपका धंधा ही बुनकरी है, आपके बाप दादा ने बुनकरी ही की है, उसी के ऊपर अपना पेट पला हुआ। और आप जितने भी मध्य प्रदेश में आए हैं, जितने भी कोष्टा कोष्टी, वो देवांग है। आप भले चाहे कोष्टा बोले कोष्टी बोले, आप आए कहाँ से, आप माइग्रेट हुए साउथ से, महाराष्ट्र से, इधर से। मैं झांसी गया था 2 साल पहले, वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग मिले, बोले बोले हमने सुना है कि हमारे बाप दादा बोलते थे कि हम लोग कराड़ सातारा से आए, बोल सही है, झांसी की रानी कहाँ से आई है। तो झांसी के रानी के साथ में, पेशवा के साथ में सारा लाव लश्कर कोष्टी या जो भी मतलब लश्कर से, जो भी मतलब लश्कर चलता था, गांव चलता था, तो गांव की तो सारी जरूरतें पूरी होती थी, जो किराने वाला हो, खाने वाला हो, कपड़ा बुनाने वाला, और भी कुछ हो, लोहार हो, सुतार हो, जो भी है, ऐसी सारी जमात चलती थी। तो ऐसी सारी जमात पेशवा की ये उत्तर भारत में उस समय आ गई, किसी कारणवश
युद्ध में हारने के बाद जो जहाँ बसा वही बसा। आप देखिए जहाँ जहाँ रियासतें हैं वही वही कुश्ती समाज है, चाहे इंदौर हो, चाहे झांसी हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे सागर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे कालपी हो, है कि नहीं। तो ये रियासत के साथ में वहाँ बसा हुआ, तो ये सब आप लोग किया जाए, अपना पक्ष कैसे रखा जाए, अच्छे अच्छे कार्य कैसे लिए जाए, किस तरह से मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, सबको साथ में लेके कैसे मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सारा जब तक साइंटिफिक प्रशिक्षण आप नहीं दोगे या नहीं लोगे, तब तक फिर ये तो मतलब हवा में तीर मारने जैसा है। हवा में तीर मारेंगे नहीं, अभी अभी तो मतलब सिस्टमैटिक तरफ से संगठन चलना चाहिए। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में हमने अभी DPR चालू किया, देवांग पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR आपने सुना है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके ऊपर अभी बवाल हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी देवांग पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब भारत में जितने भी देवांग है, कोष्ठा कोष्ठी है, इसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने का इसका कार्यक्रम बिल्कुल जी चालू हो गया है छत्तीसगढ़ में। आपको जैसे मतलब आधार कार्ड है वैसे मतलब आधार कार्ड जैसे कार्ड मिलेगा कि आपका नाम क्या है, आपका बर्थ डेट क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आप इस शहर में। इस तरह से पूरे भारत में जब ये डाटा तैयार हो जाएगा, हर फैमिली के मेंबर का उसमें मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, तब हमारे पास एक अच्छी जनसंख्या क्या है इतना पता चलेगा। फिर किस तरह से उनके ऐसे बड़ी जनसंख्या के लिए हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता, ये सारा कार्यक्रम उस DPR के माध्यम से होने वाला है। अभी छत्तीसगढ़ में इसका ट्रायल चल रहा है, तो 2-3 महीने में मतलब उसमें जो कोई त्रुटियां होती है, जो कमियां है, उसको सुधार के पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। जैसे गगन ने और इनके साथियों ने अभी ये शहर में किया है, तो ये ऑनलाइन अभी कर सकते हैं अपने, उसमें सब ऑप्शन है। आपका नाम आएगा, आपका आधार कार्ड आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपकी सारी चीजें, आपके घर में लड़की कितने, लड़के कितने, कितने पड़े हैं, कोई कौन शादी का है, बगैर शादी का है, क्या व्यवसाय आपका, क्या कर रहे हैं, कोई कारोबार है क्या, ये सारा डाटा आपको मतलब जब तैयार होगा, तो हम लोग पूरे भारत के स्तर पे व्यावसायिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। व्यावसायिक सम्मेलन का एक लिए कि हमारे समाज में जितने भी व्यवसायी है एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, एक साथ आ जाए, एक दूसरे को मदद करें व्यवसाय में, एक दूसरे की आर्थिक सहायता करें, एक दूसरे को व्यापार में, व्यवसाय में, जब तक हम मदद नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो एक तरफ तो व्यवसायिक या आर्थिक उन्नति होना चाहिए, एक तरफ शैक्षणिक उन्नति होना चाहिए, विचारों से भी समृद्ध होना चाहिए समाज। तो ये ऐसी सारी चीजें लेके जब तक हम लोग साइंटिफिक दृष्टि संगठन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक संगठन अच्छी तरह से मजबूत नहीं होगा। ये खाली राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, ये नीचे स्तर पे है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, गांव स्तर पे, सब चीजें हो सकती है। इस तरह से अगर हम आगे चलेंगे तो मुझे अच्छी उम्मीद है कि हम मतलब एक अच्छा संगठन समाज का बना सकेंगे। और इस तरह से अगर समाज मतलब संगठित समाज, जिसका जो संगठन है उसी की कीमत है, जो संगठित है उसको पूछा जाएगा, बिखरे हुए को कुछ नहीं पूछा जाता है। आप अगर कोई मतलब अंगूर बेचने वाला है उसके मतलब वहां ठेले पे गए और अगर मतलब घड़ा का भाव पूछा और बिखरे हुए अंगूर पूछे, तो दोनों के भाव में अंतर होता है कि नहीं, तो है ही है। बिखरे हुए का कोई कीमत नहीं है, जो घड़े की कीमत है ना, तो हमको घड़ा बनना है और घड़े बनने के लिए हम एक दूसरे के हमारे जो मतलब मतभेद होते उसको मिटाना पड़ेगा, हमको दिल बना बड़ा करना पड़ेगा। ये क्यों आगे बढ़ रहा है, उसको क्यों आगे है, उसको क्यों हार है, इसको क्यों खुर्ची है, ये जो चीज है इससे मतलब निजात पाना पड़ेगा। भाई जो आ गया है वो कर रहा है, वो जो समय दे रहा है, अपना अमूल्य समय दे रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसको सपोर्ट करो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि में हो, राजनीतिक दृष्टि हो और कई भी दृष्टि हो। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में समाज एक अच्छा स्वरूप प्राप्त कर लेगा, एक अच्छा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। और हम सब मिलके देखो, आप लोग जो है समाज के प्रति अच्छी भावना रखने वाले, सेवा करने वाले लोग हैं। जब भी आए हैं दोपहर के तपती धूप में, कुछ लोग नहीं आए थे, तो ये आग अंदर से जली रहती है, समाज सेवा की आग जो है जी, ये अंदर से जली रहती है। और ये आग को कभी बुझने मत दीजिए, ये आग को हमेशा जिंदा रखिए। और हम लोग चाहे कोष्ठा हो, कोष्ठी हो, मैंने बताया ना देवांग हो, देवांग हम कैसे, वो देवांग थे। अब छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन तुमन, हमन में हम होता है, न का क्या काम है, तुमन में तुम होता है, न का क्या है, हमन और तुमन, हमन मतलब हम, न क्यों आया, तुम मतलब तुम न क्यों आया। छत्तीसगढ़ की भाषा की विशेषता है कि हर चीज के पीछे न लगाया जाता है, इसलिए देवांग के देवांगन बन गए।
अब अगर आप आंध्रा में हो, तेलंगाना में जाओ तो देवांग गम है, म लगाया जाता है उनके भाषा में। अगर कोई संग है तो उसको संगम बोलते हैं। तमिलनाडु में देवांगर्रा बोलते हैं, हर बोलते हैं देवांगर। तो अपने अपने जो स्थानीय स्थिति है उस हिसाब से वो होता है, मगर सब एक है। कुष्टी हो, कुष्ठा हो, देवांग हो, देवांगन हो, सब एक है। एक ही प्लेटफॉर्म में अपने को आना है। आपकी मतलब कोई भी संस्था हो, आपके अखिल भारतीय हो, हमारी फेडरेशन हो, सब एक ही काम करने वाले, एक साथ मिलेंगे। आपको पहले ही बताया था, आपके मतलब अध्यक्ष को भी बताया है क्या कि भाई चलो एक साथ में आएंगे, समाज की सेवा करना है कि नहीं। पर आपस के मतभेद मिटाना पड़ेगा। एक दूसरे का जो अपन मतलब बेखुन्नस रहती है, एक दूसरे को मतलब अपन नीचा दिखाने की कोशिश करती है, वो सब खत्म करना चाहिए। दिल बड़ा करना चाहिए। जब तक आप दिल नहीं बड़ा करोगे, जब तक हृदय नहीं बड़ा करोगे, तब तक समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपने वारी को विराम देता हूँ। नमस्कार।